नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180354, साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया, केडिया कमोडिटी के एमडी मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हैं एन प्रसाद.net के सीईओ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से कि तीन ऐसी कौन सी बम्पर कॉल है जहां पर शाम के कारोबार में आपको मुनाफा मिल सकता है। पहली कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं गोल्ड, और केडिया कमोडिटी का व्यू है कि गोल्ड में आप 29150 के स्तर पर बाई कर सकते हैं 29450 के टारगेट के लिए, और 28950 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज के लिए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं बाई क्रूड जून कॉन्ट्रैक्ट 3290 पे आप बाई करिए 3380 के टारगेट के लिए। और तीसरी कॉल भी क्रूड है एन प्रसाद ने भी क्रूड में बाइंग की कॉल दी है, यानी क्रूड में आपके लिए ट्रेडिंग पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों एक्सपर्ट आज बाई की कॉल दे रहे हैं। और एन प्रसाद का मानना है कि 3320 के भाव पर बाई करिए 3390 के टारगेट के लिए। कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं चने की कीमतों में जोरदार तेजी का दौर जारी है और आज वायदा सहित हाजिर बाजार में भाव एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है और एक महीने में हाजिर बाजार में करीब 1000 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी चने में आ चुकी है। तो ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है चने में। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं किशोर नारने मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एसोसिएट डायरेक्टर मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ हैं IPGA के वाइस चेयरमैन विमल कोठारी मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विमल कोठारी, पहला सवाल आपसे ये कि जिस तरह से चने के मार्केट ने रफ्तार पकड़ा है, क्या आपको लगता है कि बाजार में अभी और तेजी दिखेगी चने में? चने में देखिए ऐसा लग रहा है चने की, देखिए ये इस साल क्या प्रोडक्शन बहुत कम रहा है, उत्पादन कमी की वजह से चने की अंदर जो डिमांड है वो काफी अच्छी है और उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। जो पल्सेस टोटल जो मार्केट है पल्सेस में चने का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। दो साल पहले हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के आंकड़े थे लगभग 90 लाख टन का उत्पादन हुआ, इस साल गवर्नमेंट के आंकड़े जो 70 लाख टन का एस्टिमेट है, हमारे ट्रेड का एस्टिमेट है कि वो 70 लाख टन से भी कम होगा। ओके, वो लगभग 55 लाख टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ जो चने की जो खपत है कम से कम महीने की 6 लाख टन की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो चने की बेसिकली क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत शॉर्ट है, नंबर वन। नंबर टू, वर्ल्ड मार्केट में अगर हम इंपोर्ट करना चाहें तो इस समय कोई भी चना अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा उत्पादन होता है इंडिया के बाद में, वहां से भी जो माल है वो हमको अक्टूबर नवंबर से पहले शिपमेंट वहां से नहीं हो सकता है। हाँ। तो वो भी माल आते आते 15 नवंबर और दिसंबर हो जाएगा। तो हमारी जो चने की रिक्वायरमेंट है वो हमारे जो लोकल प्रोडक्शन है उसी से पूरी हो सकती है। ठीक है, इस शॉर्टेज की वजह से चने के दाम बढ़े हैं और मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा इजाफा और हो सकता है। हालांकि दाम बहुत बढ़ गए हैं फिर भी इसमें मेरे ख्याल से 2-3 रुपए किलो के दाम और बढ़ 70 रुपए तक ये टच कर सकता है। लेकिन किशोर नारने भी हमारे साथ हैं, किशोर आपका कमेंट क्या होगा? विमल कोठारी कह रहे हैं कि मार्केट के फंडामेंटल मजबूत हैं, शॉर्टेज है और इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में 7000 के स्तर पर मार्केट जल्द जा सकता है? हाँ मृत्युंजय, गुड इवनिंग। आई थिंक विमल जी जैसा बोला है कि डेफिनेटली फंडामेंटली तो कोई डाउट नहीं है इसमें कि अपने पास चना के बहुत शॉर्टेज है। और मतलब आपको सेफेस्ट आंकड़े भी देखें तो कम से कम 25% का उनका क्रॉप कम है, तो मेरे हिसाब से तो अगेन हम लोग प्राइस का नया रेंज में है, तो आप 7000 या 7200 कहाँ पे रुकेगा ये एज ऑफ नाउ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज मोमेंटम बहुत तेज है और बहुत स्ट्रांग है। और मार्केट में जैसा विमल जी ने बताया कि दूसरे अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ जो सप्लाई है वो भी फिलहाल के लिए अभी अवेलेबल नहीं रहता है, तो टिपिकली यहाँ पे अपने डोमेस्टिक सप्लाई से ही ये करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे 6700 के आसपास थोड़ा सा टेक्निकली देखे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत बहुत ज्यादा
करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो चले में जोरदार तेजी है। विमल कोठारी, बिल्कुल संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या जो तेजी आई है चने की कीमतों में, इसके लिए आप फ्यूचर मार्केट को भी जिम्मेदार मानते हैं? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि कोई फ्यूचर मार्केट की वजह से दाम बढ़े हैं। ये जेन्युइनली इसमें शॉर्टेज है। दो साल से देखिए हमारा मानसून फेलियर हुआ है और पिछले साल जो बारिश का जो समय होता है उसमें खासकर जुलाई जो अगस्त और सितंबर में बारिश बहुत कम हुई है, तो उसकी वजह से जो उत्पादन हुआ है वो बहुत कम है। फंड बेसिक इश्यू है कि उत्पादन कमी है। लेकिन एक बात बताता हूँ उसको, इस बार इंपोर्ट येलो पीस का काफी ज्यादा हो रहा है, जो सफेद मटर कहते हैं, और वो चने को रिप्लेस करती है। इसलिए क्या है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आज येलो पीस जो है 32-33 रुपए में मिलती है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से उनके पास एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो चने को रिप्लेस करके वो येलो पीस में कहीं वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल कोठारी और किशोर नाने आपका भी। और दाल पर एक अपडेट ये भी है कि सरकार ने 11,000 टन तुअर और 2,000 टन उड़द दाल का इंपोर्ट कर लिया है और पाइपलाइन में करीब 6,000 टन दालों का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये एक अपडेट आपको बता रहे हैं दाल के ऊपर। और FY17 में 38,500 टन दाल इम्पोर्ट के सौदे हो चुके हैं सरकार की तरफ से और अब तक 51,000 टन खरीफ और 60,000 टन रबी परसेस की बाइंग सरकार की तरफ से हो चुकी है। और सरकार ने, केंद्र ने राज्यों को ये निर्देश दिया है कि जो बफर स्टॉक है सरकार के पास, बफर स्टॉक से दाल लेकर के उसे डिस्ट्रीब्यूट करें सस्ते दामों पर कंज्यूमर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मानसून की। मानसून के केरल पहुंचने में एक दो दिन की देरी और हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 9 जून तक केरल पहुंचने की संभावना है। पहले मौसम विभाग ने मानसून 7 जून को केरल पहुंचने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग का मानना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर मानसून काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और एक दो दिन में केरल के तटीय इलाकों में पहुंचने का अनुमान है। IMD के मुताबिक आज और कल उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में इस साल सामान्य से 106% बारिश का अनुमान जताया है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD, और साथ ही हमारे साथ एन प्रसाद हैं। अजय केडिया, मानसून में एक से दो दिन की देरी और बताई जा रही है, क्या इंपैक्ट आप एग्री मार्केट पर देख रहे हैं? गुड इवनिंग मित्र, डेफिनेटली चीजों से हमने देखा IMD के कंटिन्यू जो रिव्यू आ रहे हैं उसके बाद हमने एग्री में काफी अच्छा एक जंप आते हुए देखा। टाइमिंग मुझे लगता है कि ये जंप एग्री में कंटिन्यू रह सकता है जब तक मानसून हिट नहीं होता। पिछले दो साल से हमने मानसून की कमी देखी और ये साल लानिनो की वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल ओवरऑल इंडिया का भी एवरेज सुधरा है आने की उम्मीद, एक्सपेक्टेशन जो है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि टाइमिंग तो शॉर्टेजेस की वजह से प्राइजेस में जंप रहेगा बट मीडियम टर्म आउटलुक कूल डाउन हो सकता है एग्री प्राइजेस में। ठीक है, हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ जय हैं राजकोट से, गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए जय। गुड इवनिंग सर। तो मेरा एम प्रसाद जी से सवाल भी है और एक बात भी कहनी है। सर, नॉन फॉर्म डेटा जिस दिन आया था तो उस दिन मेरा बाइंग किया हुआ था, तो एम प्रसाद जी ने बोला बाइक का माल निकल के सेल कर दो, तो सर सेल में इतना लॉस हुआ है सर मेरे को, तो अभी मैं क्या करूँ सर? सही सही सवाल है आपका, बिल्कुल एन प्रसाद ने आपको ये बताया था और आज इसका जवाब भी देंगे एन प्रसाद। एन प्रसाद बताइए, आपने कहा था कि तेजी की संभावना नहीं है, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑल वर्ल्ड में सरप्राइज डाटा आता है, डाटा इसलिए आता है, डाटा जो आता है किसी को मालूम नहीं रहता है। हम लोग मैक्सिमम प्रेडिक्शन दे सकते हैं, हम और चैनल में भी बोलते हैं, हजारों चीज बोला है तो 999 भी हुआ है, तो जो चीज़ नहीं होता है उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। हम ये भी बताया था 29,150-200 का स्टॉप लॉस रखे, उन्होंने जो किया मेरे को मालूम नहीं है। जो स्टॉप लॉस मैंने बिल्कुल दिया था उसका ऊपर हो गया था, तो स्टॉप लॉस हो गया था। कई कई हमारा भी ट्रेड स्टॉप लॉस होता है, ये नहीं है कि हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस होते ही नहीं है। देखिए, ये लेके चले एक्सपर्ट्स की कोई भी राय लेता है तो प्रोबेबिलिटी हाई रहता है, बस ये नहीं रहता है कि 100% सही रहता है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। और जैसा भी गोल्ड में नॉन फार्म पेरोल्स का दिन जो एक्सपेक्टेड था, जॉब मार्केट इतना वीक आता है करके अमेरिकन फेड की चेयरमैन एलन को भी इतना उम्मीद नहीं था, मेरे को छोड़िए, तो ये हो सकता है डाटा कभी भी सरप्राइज कर सकता है। ये बात ठीक भी है क्योंकि मार्केट को 100% मार्केट का अनुमान लगाना
वो संभव नहीं है। कई बार होता है कि जो डेटा होते हैं वो मार्केट को सरप्राइज करते हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखता है, लेकिन बाजार का ये अनुमान पहले था कि डेटा बेहतर आ सकते हैं और इस अनुमान को देखते हुए मार्केट पर उसका इम्पैक्ट भी दिखा था, लेकिन डेटा ने मार्केट को पूरी तरह से सरप्राइज किया और उसका इम्पैक्ट आपको दिखा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अनुमान एक्सपर्ट ने आपको बताया या फिर जो राय यहाँ पर एक्सपर्ट ने आपको दी वो गलत दी। कई बार डेटा के आधार पर कॉल दी जाती है लेकिन डेटा सही नहीं होता है और उसके उससे कहीं ना कहीं कॉल बदल जाती है। अगले कॉलर हमारे साथ गौरव हैं उज्जैन से, चने पर इनका सवाल है। पूछिए गौरव। सर, ये चने के भाव एक ज्वार शेर जैसे गिरने की संभावना नहीं है, जैसे ज्वार शेर 10,000 रिकवरी 8,000-9,000 हो जाए? नहीं, आप क्या जानना चाहते हैं? सर, चने का भाव जानना चाहता हूँ मैं, ज्वार सेठ जैसा गिरने की संभावना तो नहीं है? ठीक है, और चने पे भी हमने बताया भी था। अजय केडिया, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं, आपका आउटलुक क्या है, पर्सनल असेसमेंट चने को लेकर क्या है? देखिए मित्र, अगर पिछले साल से देखें तो हम कंटिन्यू तेजी में, हमारा एक्सपेक्टेशन 6,500 तक का था, वो ऑलमोस्ट टच कर चुका है, ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अभी मुझे लगता है जिस ढंग से हमने फंडामेंटल्स और ग्राउंड लेवल रियलिटी देखी है तो हमें लगता है कि 8,000 का ही भाव स्पेकुलेटिव ग्राउंड लेवल्स पे चल रहे हैं। नो डाउट, जैसे इन्होंने कहा कि गवार जैसी सिचुएशन नहीं हो जाए, डेफिनेटली पाथ वही है, बट नो डाउट गवर्नमेंट ने और एक्सचेंज ने पहले भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। ऑलरेडी आप देखो तो बाय साइड पे मार्जिन काफ़ी हैवीली लोडेड है, बट फंडामेंटल्स कहीं भी देखा जाए तो अभी भी पॉजिटिव है। 8,000 बोलना तो काफ़ी ज़्यादा, बट हाँ 7,000-7,200 के जो लेवल्स है वो डेफिनेटली हमें देखने मिल सकते हैं।